एक आदमी जंगल में गया और जंगल में जा रहा था तो बड़ी टोली के साथ जा रहा था, सब एक साथ जा रहे थे खेमे में, साथ में सब मुकाम डालने के, पंडाल डालने के सामान, खाना पीना लेके जा रहे थे। अब चलते रास्ते में सुबह हुई, ये सोता ही रह गया, कहीं पीछे जाके हवा नहीं आई करके अच्छी हवादार जगह में सोया। इसके साथियों सब आगे निकल गए, वो अकेला रह गया। सुबह उठ के देखा बड़ा अकेला हो गया, घबरा गया, कैसे जाऊं। ऐसे ही पीछे देखा तो पीछे एक हाथी पड़ गई। क्या हो गया? एक हाथी पीछे पड़ गई। अब पीछे पड़ी हुई हाथी इसके पीछे ऐसे पड़ी कि बड़ा घबराया, क्या करो। इसको याद आया हाथी वृक्ष पर नहीं चढ़ सकती है, एक वृक्ष पर चढ़ गया। चढ़ने के बाद देखा कि वृक्ष जहां जिधर चढ़ा है उसके नीचे बड़ी खाई है। इस तरफ से तो चढ़ गया लेकिन वापस उस तरफ उतरने जगह नहीं है। खाई में बहुत बड़ा नाग फुंकार मार रहा है। क्या कर रहा है? अभी उतरे तो हाथी खड़ी है, जिस तरफ से उतरना था उस तरफ हाथी खड़ी हुई है, उतर नहीं सकता, वहां हाथी खड़ी इसकी इंतजार करे। इस तरफ से उतरना चाहे तो वहां क्या है, खाई में सांप भुस भुस करके आवाज कर रहा है। इतने में ये ऐसे ही घबराया तो हाथ जो आराम से बैठा था पिसल गया और पिसल के डाली पकड़नी पड़ी। अब डाली पकड़ के लटक गया क्योंकि आराम से बैठा था, घबराहट में पिसल गया। अब हाथ डाली पर पकड़ी हुई है, हाथ छूटे तो क्या हो, किधर गिरेगा? खाई में कौन है? जादूगर सैया डोले मोरी भैया, हाँ मुश्किल हो जाए। और इधर देखा इसी समय के अचानक उस डाली को एक चूहा आके ऐसे देख रहा है। देखे तो दोनों चूहे जोड़ी हैं, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, दोनों डाली को काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। अब ये नीचे नहीं भी गिरे तो थोड़ी देर में ये चूहे डाली काटेंगे तो क्या होगा? चूहों का रंग क्या है? सफेद और काले चूहे काट रहे हैं। इतने में वो जो डाली पकड़ के लटक रहा था वो थोड़ा डाली हिला, तब इसको दिखा कि उसी डाली में दो हाथ के बीच में एक शहद का छत्ता लटका हुआ है। क्या लटका है? जब ये थोड़ा हिला तो दो बूंद शहद मुंह में गिर गए, क्योंकि हाय रे करके मुंह फाड़ रहा था, बचाओ बचाओ, उस समय दो बूंद शहद मुंह में गिर गए। आहा हा, क्या आनंद क्या आनंद क्या आनंद। उधर से विमान में जा रहे हैं, पुष्पक विमान में देवी देव देव कौन जा रहे हैं? देवी को दया आ गया। देव को कहती है कि देखो एक आदमी लटक गया, मर जाएगा, चूहे भी काट रहे हैं, इधर हाथी भी चिंगाड़ रहा है, इधर नहीं भी पड़ेगा तो एक सांप नीचे फुंकार रहा है, कहीं गिर ना जाए, आप बचा दो, आप तो देव हो, इसको उठा के विमान में बैठा के अपनी जगह छोड़ दो, बेचारा बच जाएगा। देव को देव को दया तो नहीं आई लेकिन वाइफ की बात नहीं माने। ऐसे कोई हस्बैंड पैदा हुआ? हाँ, ऐसा कोई हस्बैंड है जो वाइफ की बात नहीं माने? या तो वाइफ नहीं होनी चाहिए या तो होनी तो माननी चाहिए, दो में एक ही बात। तो ये मान लिया, भाई तू आ बैठ गाड़ी में, क्या करना चाहिए बोलो महाराज? आपसे फैसला मांगता हूं इसका कि करना क्या चाहिए, आप बताइए। इधर हाथी चिंगाड़ रहा है, नीचे उतरेगा तो पकड़ के सुंड से एक मारेगा तो 364 हड्डियों का क्या होगा? अगर नहीं भी पड़ेगा तो खाई में गिरेगा, हाथ पिसलेगी तो क्या होगा? अगर दोनों नहीं किया ना, गट पकड़ के भी बैठेगा तो भी क्या होगा? चूहे काटेंगे। तो अब वो देव बुला रहा है कि चलो बैठ जाओ गाड़ी में, तो करना क्या चाहिए बोलो भाई, तुमसे फैसला मांगता हूं बोलो। हाँ बैठ जाना चाहिए, तो फिर क्यों नहीं बैठते हो? फिर क्यों नहीं बैठते हो मैं पूछता हूं? काल रूपी वृक्ष के ऊपर चढ़े हो और मौत रूपी हाथी पकड़ के पछाड़ने तैयार खड़ी है और आपके पाप कर्म रूपी सांप फुंकार मार रही है,
और रात रूपी काली चूबा और दिन रूपी काली चुब दिन रूपी सफेद चूबा दोनों आपके जीवन रूपी डाली को काट काट के समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संसार के दो बूंद शहद के आनंद के लिए देव विमान रूपी शक्ति से गुरु रूपी देवता आके कहते हैं कि संसार से तिर जाओ रे, नहीं नहीं हमको तो संसार का आनंद बड़ा अच्छा लग रहा है। मूर्खों तुम रहना चाहोगे तो भी ये डाली कटने वाली है, अच्छा है कि पुष्पक विमान में बैठ जाओ तिर जाओगे, वरना तो तुम्हारा वरना तो गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, ले लेना गुरु 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 ले लेना, मेरी विनती करो स्वीकार शरण में ले लेना, मेरी विनती करो स्वीकार शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, गुरुदेव दया करके शरण में ले लेना, बोलो साची दरबार की जय।